हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज आइजोस सो लेक्चर नंबर 12, टॉपिक न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन एंड सब टॉपिक पुली ब्लॉक प्रॉब्लम्स, है ना। ब्लॉक पुली प्रॉब्लम एक ही बात है। हम यहाँ पे है ना पुली और ब्लॉक के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहले हम ब्लॉक के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। और फोर्स जो है, ठीक है, फोर्स टू टाइप का होता है, मतलब बेसिकली बहुत सारे टाइप का होता है, लेकिन नॉर्मली यदि हम ब्लॉक वाले प्रॉब्लम पढ़ते हैं तो यहाँ पे टू टाइप का फोर्स होता है। एक होता है पुलिंग और एक होता है पुशिंग, ठीक है। पुलिंग जो फोर्स होगा वो किसी स्ट्रिंग के थ्रू होगा। स्ट्रिंग मतलब रोप समझ लीजिए, लेकिन ऐसा रोप जिसका मास नहीं हम कैलकुलेट करते, मासलेस, ठीक है। एंड उसमें कोई इलास्टिशन नहीं होगा, मतलब जैसे हम कोई भी रोप है उसको खींचते हैं तो उसकी लेंथ चेंज हो जाती है, हम ऐसा कुछ नहीं पड़ेंगे। मतलब एक रस्सी है उसको हम कितना भी फोर्स लगाए तो उसका इलोंगेशन भी नहीं होगा, उसका मतलब लंबी भी नहीं होगी वो, और उसका मास हम नेग्लिजिबल मानेंगे, उसे बोलते हैं स्ट्रिंग, ठीक है। तो जो पुलिंग होता है वो किससे होता है, स्ट्रिंग से होता है, और ठीक है। और जो पुलिंग फोर्स है उसको हम यहाँ पे नाम देते हैं टेंशन, क्या बोलते हैं, टेंशन। और जो पुशिंग फोर्स होता है उसको हम यहाँ पे बोलते हैं नॉर्मल, ठीक है। तो हम पुलिंग और पुशिंग नाम नहीं यूज करेंगे, एक यूज करेंगे टेंशन, एक यूज करेंगे नॉर्मल। अच्छा, रोप से जो स्ट्रिंग से उससे क्या नॉर्मल लगा सकते हो, किसी भी एक रोप से आप पुश कर सकते हो, खैर नहीं, हमेशा क्या करोगे उससे खींचोगे, है ना, मतलब पुलिंग करोगे। तो जो रोप होगा उसमें हमेशा कौन सा फोर्स होता है, टेंशन होता है, क्लियर है। अब हमें इसको सॉल्व करने के लिए कुछ प्रोसीजर फॉलो करना है ना, क्योंकि कुछ इजी वे भी होते हैं लेकिन उसमें एरर होती है। तो पहले आप इससे कॉन्फिडेंट हो जाए, देन आप शॉर्टकट यूज करें, है ना। अब जैसे मान लो ये एक ब्लॉक है, टू ब्लॉक सिस्टम की बात करते हैं, ठीक है। इस पे यदि हमने एक फोर्स लगाया, ये फोर्स ये मूव करेगा, नेमिंग कर देते हैं ये ब्लॉक ए और ये ब्लॉक बी। अच्छा ये बताओ, यदि हमने इस पे फोर्स लगाया एफ, तो ए ब्लॉक मूव करेगा या ए और बी दोनों मूव करेंगे, या ओनली बी करेगा। ओनली कौन सा ब्लॉक मूव करेगा, बी वाला मूव करेगा, क्यों, क्योंकि इससे कोई कनेक्शन नहीं है। यदि हम इसको एक रोप से कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है, एक रोप से हमने कनेक्ट कर दिया तो ए वाला ब्लॉक भी मूव करेगा, ठीक है। अच्छा, किसका स्पीड ज्यादा होगा, दोनों का सेम होगा, है ना, और दोनों का एक्सेलरेशन भी क्या होगा, सेम होगा। तो फर्स्ट पॉइंट है एक्सेलरेशन, बोथ पार्टिकल विल सेम, दोनों को क्या होगा, एक्सेलरेशन सेम होगा। सेकेंड, स्ट्रिंग किस पे किस साइड फोर्स लगा रही है ये हमें ड्रॉ करना है, ठीक है। अच्छा देखो, यदि ये रोप नहीं है, ये नहीं है, ये वाला रोप नहीं हुआ, तो ए वाला ब्लॉक मूव करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा, मतलब ये जो रोप है ये इस पे आगे की तरफ लगा रही है फोर्स, जिसको हम बोलते हैं टेंशन टी, ठीक है। सेकंड, अच्छा ये बताओ, यदि ये रोप नहीं होता तो बी का एक्सेलरेशन कितना होता है, एग्जांपल के लिए ये देखो, मान लो ये बी ब्लॉक है आपका, ठीक है, मैंने इधर से ड्रॉ कर दिया, वैल्यू ले लेते हैं इसको, मान लो 2 kg ले लिया और ये हमने ले लिया 3 kg, इस पे हमने फोर्स लगा दिया 10 N का। अभी ओनली कौन सा ब्लॉक मूव करेगा, 2 kg वाला मूव करेगा, तो एक्सेलरेशन कितना होगा, 10/2, मतलब 5 m/s². अच्छा, यदि हमने इसको रोप से कनेक्ट कर दिया, आफ्टर कनेक्ट रोप, कनेक्ट स्ट्रिंग, है ना, स्ट्रिंग से कनेक्ट कर दिया तो एक्सेलरेशन कितना होगा, कितना मास मूव कर रहा है, 5 kg, है ना, तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, 10/5, मतलब 2 m/s स्क्वायर। मतलब ए ब्लॉक का यदि हम बात करें, सॉरी बी ब्लॉक का, ये भी है और ये आपका ए है, बी ब्लॉक का यदि बात करें, यदि स्ट्रिंग नहीं था तो उसका एक्सेलरेशन ज्यादा था, अब यदि ए ब्लॉक उससे हमने कनेक्ट कर दिया तो उसका एक्सेलरेशन क्या हो गया, कम हो गया, मतलब इस रोप ने उस ब्लॉक पर फोर्स किधर लगाया, पीछे की तरफ लगाया। और सेम इस रोप ने ए ब्लॉक को आगे की तरफ खींचा तो उसमें भी टेंशन आ गई। किसी भी सिंगल स्ट्रिंग में टेंशन सेम होता है। तो एक और पॉइंट है, ठीक है, टेंशन इन सेम स्ट्रिंग विल बी सेम, ठीक है, क्या होगा, सेम रहेगा। तो यहां पे देखो, तो दोनों टेंशन, मतलब ये इसको यदि हम टी बोल दें, T1 और ये T2, तो जो T1 होगा इसके इक्वल होगा T2 के इक्वल होगा, ठीक है। बस ये दो हमें टेंशन का यदि आपने ड्रॉ कर लिया, तो इस पे टेंशन पीछे की तरफ, इस पे टेंशन आगे की तरफ,
बस इसके बाद हमें कुछ भी नहीं करना है, बस न्यूटन का सेकेंड लॉ, नेट फोर्स इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन, कौन सा, एफ नेट इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन यूज करना है, ठीक है। एफ नेट की स्पेलिंग थोड़ा सा रॉन्ग है, ठीक है, इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन, ये वाला आपको यूज करना है, देन आपका सॉल्व होता जाएगा, ठीक है। फिर हमें एक बनाना है एफबीडी, थर्ड पॉइंट क्या है, ड्रॉ एफबीडी फ्री बॉडी डायग्राम, मतलब उस ब्लॉक को पर्टिकुलर हमें ऑब्जर्व करना है, उस पर जितने फोर्स लग रहे हैं उन सबको मेंशन करते हैं, उसको हम बोलते हैं फ्री बॉडी डायग्राम, क्लियर है। तो चलो हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब मैं कुछ स्टेप्स लिख दूंगा, है ना। तो फर्स्ट मान लो, चलो एक अच्छा ही क्वेश्चन लेते हैं, थ्री ब्लॉक वाला ले ले, या टू ब्लॉक से स्टार्ट करें, चलो टू ब्लॉक से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। टू ब्लॉक है, इसमें हमने फोर्स लगा दिया कितना, वैल्यू हम इतने इजी लेंगे ताकि इजीली सॉल्व हो जाए, ताकि कैलकुलेशन हमें नहीं हो। ये क्वेश्चन ले लिया हमने मान लो 12, सॉरी फोर्स इक्वल्स ले लिया हमने 12 न्यूटन, इसको हमने बोल दिया 2 kg, ये हमारा हो गया 4 kg, और इनके बीच में ये स्ट्रिंग है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें स्ट्रिंग में टेंशन होगा, ठीक है, सिंगल स्ट्रिंग में चेंज होता है, यदि स्ट्रिंग चेंज हो गया तो आपका टेंशन चेंज हो जाएगा, तो इस पर टेंशन टी, इस पर टेंशन टी, ठीक है। दोनों का ब्लॉक का एक्सेलरेशन सेम होगा, ठीक है। तो हमने इस साइड होगा, ऑब्वियसली इस साइड होगा, तो सबसे पहले हमने लिख दिया ए, ठीक है, एक्सेलरेशन क्या होगा सेम होगा, उसको अज्यूम किया हमने ए, ठीक है। अब हमने 4 kg वाले का एफबीडी बनाया, तो देखो अब ऑब्वियसली नीचे लग रहा है एमजी, ऊपर लग रहा है नॉर्मल, नीचे क्या लग रहा है एमजी लग रहा है, ऊपर लग रहा है नॉर्मल, लेकिन दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जा रहे हैं, और हमारे वर्टिकल मोशन की हम एनालिसिस नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए हमें उसको मेंशन करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। क्योंकि देखो नॉर्मल क्यों, क्योंकि इसको अर्थ अट्रैक्ट कर रहा है, लेकिन ये नीचे की तरफ एक्सेलरेट हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, क्यों, क्योंकि अर्थ ने उतना ही फोर्स ऊपर की तरफ सपोर्ट किया, अच्छा पुश किया, पुल किया, पुश किया, तो उसको हम क्या बोल दिया हमने नॉर्मल, है ना। इसको मेंशन करने की हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि ये हम अभी जो भी मोशन की एनालिसिस कर रहे हैं, हम कौन से डायरेक्शन में कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कर रहे हैं ना, यदि वर्टिकल डायरेक्शन में करेंगे तो इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा। तो 4 kg है, इधर की तरफ लग रहा है टी, अच्छा नेट फोर्स की बात करें एफ, नेट एफ कितना है टी, नेट फोर्स इक्वल टू क्या होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, मास कितना है 4 है, एक्सेलरेशन ए है, तो ये आपकी हो गई इक्वेशन नंबर 1। 2 kg वाले का ब्लॉक का बनाओ, ये 2, आगे कितना लग रहा है एफ लग रहा है 12 न्यूटन, डायरेक्टली वैल्यू लिख लेते हैं, पीछे क्या लग रहा है टेंशन टी, जा किधर रहा है आगे की तरफ जा रहा है ए एक्सेलरेशन से, है ना। अच्छा बड़ा कौन सा फोर्स होगा, ऑब्वियसली जिस साइड एक्सेलरेशन होगा, है ना, 12 माइनस टी, ये हो गया आपका एफ नेट, ये क्या हो गया एफ नेट, और नेट फोर्स इक्वल टू क्या होता है मास इनटू एक्सेलरेशन अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, मास कितना है 2 एक्सेलरेशन ए, ये इक्वेशन नंबर हो गई 2, ठीक है। दोनों को आप टी की वैल्यू यहां पे पुट कर दो तो कितनी होगी 4a उधर जाएगा, है ना, तो इसको सॉल्व कीजिए, अब ये आप है ना सॉल्व कर लेना है ना, टी की वैल्यू आप यहां पे पुट कर दो देन सॉल्व कर लो, तो 12 माइनस 4a इक्वल्स टू 2a, a इक्वल टू हो गया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ए की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो यहाँ पे, तो टी इक्वल टू हो गया आपका 8 मीटर, ठीक है। हमेशा टेंशन और एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड कर, ठीक है। नेक्स्ट हम 3 ब्लॉक सिस्टम में प्रोसीजर हमें सेम ही रोकना है, ठीक है। थोड़ा सा टफ बनाए क्या, इसको टफ नहीं बनाते, इसी में हम एक और फोर्स एड कर, ब्लॉक 1, ब्लॉक 2, इसमें हमने फोर्स लगा दिया इस साइड एंड एक फोर्स ले लो इस साइड, ठीक है। तीनों को मूव करवाना है, इसलिए स्ट्रिंग कनेक्ट कर दिया हमने तीनों से, वैल्यू हम ले लेते हैं 2, 6 एंड 4, ठीक है। इधर हमने ले लिया 20 न्यूटन, इधर हमने ले लिया मान लो 30, कुछ भी वैल्यू ले लो हमें कोई मतलब,
हमें वो सॉल्व करना, हमें अब देखो ये वाली स्ट्रिंग है, अब देखो ये भी एक स्ट्रिंग है लेकिन इसमें क्या है 38 न्यूटन का टेंशन है, तो इसमें पूरे में 38 न्यूटन का टेंशन ही होगा, है ना। अब यहाँ पे ये स्ट्रिंग है तो इसमें टेंशन होगा T1 और इसमें टेंशन होगा T2, किसी को भी ले लो T1 T2 कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अब हमें T1 T2 और एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड करना, फाइंड T1 T2 एंड एक्सेलरेशन, है ना। क्वेश्चन इस टाइप से भी आ सकता है बेटा, यहाँ पे एक लगा देंगे स्प्रिंग बैलेंस, क्या लगा देंगे स्प्रिंग बैलेंस, तो सेम क्वेश्चन यदि टेंशन नहीं पूछे जाएंगे तो आ जाएगा फाइंड रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस, ठीक है। तो स्प्रिंग बैलेंस का जो रीडिंग होगा वो कितना होगा T1, तो टेंशन इस तरीके से कंफ्यूज भी किया जा सकता है, ठीक है। अब इधर देखिए किस साइड मूव करेगा, ऑब्वियसली इस साइड ज्यादा फोर्स लग रहा है इस साइड मूव करेगा, तो इस साइड हमने ले लिया एक्सेलरेशन कितना होगा A होगा। यदि आप अपोजिट साइड भी ले लेते हैं तो उसी के अकॉर्डिंग चलिए आंसर आपका सही आ जाएगा, ठीक है। लेकिन जो डायरेक्शन आपने फॉलो किया उसी के अकॉर्डिंग चलना, ठीक है, कि ऑब्वियसली ये वाला फोर्स फिर इधर जो टेंशन होगा वो वाला बड़ा होगा, यदि हम उल्टा चल रहे हैं तो 12 बड़ा होगा T2 से, ठीक है। चलो अभी हम सही डायरेक्शन में ही चलते हैं, ठीक है। चलो अब हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, ठीक है। तो चलो इस पे पीछे की तरफ कितना लग रहा है T1, इस पे आगे की तरफ T1, इधर T2, इधर, ठीक है। अब देखिए हमें 3 अननोन फाइंड करने, मतलब ये रिक्वायर्ड 3 इक्वेशन रिक्वायर्ड, तो 3 ब्लॉक है, तीनों का फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं। 2 kg वाले का लेते हैं, इधर कितना लग रहा है 38 न्यूटन, पीछे लग रहा है 2 न्यूटन है T1, T1 मास कितना है 2, नेट फोर्स कितना होगा एफ नेट, है ना, एफ नेट कितना है 38 माइनस T1, और नेट फोर्स इक्वल टू क्या होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, कौन बोल के गया है न्यूटन साहब ने बोला था, है ना। तो ये इक्वेशन नंबर 1, इसकी बात करें 6 का, जा किधर रहा है आगे की तरफ जा रहा है, तो इस पे आगे लग रहा है T1, इस पे लग रहा है T2, तो नेट फोर्स कितना होगा T1 माइनस T2, क्योंकि ये वाला बड़ा है ना, क्योंकि इस साइड मूव कर रहा है एक्सेलरेशन, T1 इज ग्रेटर, नेट फोर्स इक्वल टू कितना होगा 6N। फिर 4 kg वाले का बनाओ, आगे कितना लग रहा है T2, पीछे कितना लग रहा है 20, जा किधर रहा है इधर एक्सेलरेशन से जा रहा है, मतलब T2 ग्रेटर देन 20, इक्वेशन क्या बनेगी T2 माइनस 20 इक्वल टू 4A, ये इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3। अब इनको सॉल्व करना है, ठीक ना। तो देखिए एक तरीका जो इजी, मतलब आप लोगों को पता होगा, यहाँ से T2 का वैल्यू कितना आएगा, T2 का वैल्यू आएगा 20 प्लस 4A, है ना, इसकी वैल्यू यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो तो T1 की वैल्यू आ जाएगी, है ना, फिर T1 की वैल्यू इधर पुट कर दोगे तो फाइनल आपका आंसर आ जाएगा, ठीक। तो आप कर लेना, मैं क्या कर रहा हूँ तीनों इक्वेशन को ऐड कर रहा हूँ, तीनों इक्वेशन, इक्वेशन 1 प्लस 2 प्लस 3, है ना, तीनों इक्वेशन को ऐड करते हैं। तो ऐड करने से देखो क्या होगा, एक फायदा हमें मिलेगा कि देखो T1 यहाँ पे कैसा है पॉजिटिव है, T1 कैसा है यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव, तो कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना, या फिर और T2 यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव, कैंसिल हो गया। ये आपको इजी वे में ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो तीनों को एक के नीचे एक लिख लो, ठीक है। 38 माइनस T1 इक्वल टू 2A, T1 माइनस T2 इक्वल टू 6A, T2 माइनस 20 इक्वल टू, T2 से T2 कैंसिल हो जाएगा, T1 से T1 कैंसिल हो जाएगा, 38 माइनस 20 कितना है 18 इक्वल टू 12A, तो A की वैल्यू आ जाएगी 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर, ए की वैल्यू आप इस इक्वेशन में रख दोगे तो आपका तो, है चलो रख ही दो, है ना, ए की वैल्यू यहाँ पे रखती है तो कितना हो जाएगा 4 × 1.5 6, तो T2 आपका आ जाएगा 6 × 20 26, T1 आपका कितना आ जाएगा यहाँ पे रख दो T1 2A, तो ये हो जाएगा 3 38 माइनस 3 कितना होता है 35, तो T1 आपका हो जाएगा, तो आंसर हो गया T1 इक्वल टू 35, T2 इक्वल टू 26, एंड जो एक्सेलरेशन मिला कितना मिला 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये टेंशन न्यूटन न्यूटन, ठीक है, आ गई बात समझ में। चलो थोड़ा अब ये तो हमारा प्रॉपर मेथड था, अब हम इसको थोड़ा सा एनालिसिस कर, ठीक है, इसी क्वेश्चन में हम जुगाड़ तुगाड़ लगा करके एनालिसिस करते हैं। चलो देखो यदि हम पूरे ब्लॉक को एक सिस्टम माने, चलो नेक्स्ट कर लेते हैं ना, ताकि आपको
नोट करना इजी रहेगा, है ना। अब इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इसमें सेम क्वेश्चन था, बहुत सारे चेंजेस करते हैं और कहाँ से हम शॉर्टकट वैल्यूज निकाल सकते हैं विदाउट कैलकुलेशन। ठीक है बेटा, कैलकुलेशन कुछ भी हो, कितना भी आपको पता हो, जब तक आपको बेसिक्स नहीं पता है एरर करते रहोगे। शॉर्टकट कब यूज करना हो, जब आप इनको माहिर हो जाओ बेसिक मेथड्स में। ठीक है, बेसिक मेथड्स में माहिर हो जाओ तब जाके शॉर्टकट पे जाना है। यदि पहले शॉर्टकट पे पहुंच गए फिर कोई भला नहीं होगा। ठीक है, इधर था आपका 38 न्यूटन, इधर था आपका 20 न्यूटन, ये शायद था, तो देख लेते हैं 264। अब बताओ इस पे फोर्स कितना लग रहा था, इधर लग रहा था T1, इस पे भी लग रहा था T1, इस पे लग रहा था T2, इस पे लग रहा था T2। यदि हम देखें कि पूरी बॉडी को, यदि एक सिंगल बॉडी मान ले, पूरे को हमने बोल दिया एक सिंगल मास, तो देखो ये दोनों हो गए इंटरनल फोर्स। ये कैसे हो गए इंटरनल फोर्स, स्टेट चेंज कौन करता है, एक्सटर्नल फोर्स करता है ना। तो इंटरनल फोर्स समझ लो, या फिर समझ लो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, एक ही बॉडी पे दोनों इंटरनली अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं, एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर दिया, कैंसिल आउट कर दिया, इन्होंने भी कैंसिल आउट कर दिया। यदि नेट फोर्स की बात करें, आगे की तरफ लग रहा है 30 माइनस 20, नेट टोटल मास कितना है 12, और एक्सेलरेशन ए, नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, 18 इक्वल्स टू 12 a = 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन निकालना है तो बहुत इजी वे में आ सकता है। ठीक है, लेकिन आपको T1 और T2 ये जो निकालना है तो आपको इक्वेशन ड्रॉ करना ही पड़ेगा। ठीक है, अब इधर देखो, चलो अब हम थोड़ा सा और एनालिसिस कर रहे हैं ना। अब ये मेथड मैं आपको सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बस बता रहा हूँ कि ये सब भी निकाल सकते हैं ना। अब देखिए 1 मीटर 1 kg को एक्सेलरेट होने के लिए, है ना, क्योंकि सबका एक्सेलरेशन तो 1.5 सेकेंड स्क्वायर है, 1 kg को 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से एक्सेलरेट करने के लिए कितना चाहिए, 1.5 न्यूटन, 2 kg को 3 न्यूटन, ये बताओ समझ में। ठीक है, तो इधर देखो यहाँ पर 38 था, 2 kg को एक्सेलरेट करने के लिए कितना फोर्स चाहिए, 3 न्यूटन, तो 3 न्यूटन एक्सेलरेट करने में खत्म हो गए, तो बचा कितना 35, T1 हो गया 35। अच्छा 6 kg को कितना चाहिए, 6 kg को क्या चाहिए, 9 न्यूटन, कितना चाहिए 9 न्यूटन, तो 35 माइनस 9 कितना आया था, 35 में से 9 किया तो कितना बच गया 26। आगे ऐसे भी आ गया बिना सॉल्व किए ना, लेकिन ये चीज आपको जब आप ज्यादा क्वेश्चंस करोगे तब जाके आपको चीजें समझ में आए, है ना। तो डायरेक्टली आप वैल्यू हम लोग ऐसे ही निकालते हैं, है ना। चलो सेम है बेटा इस टाइप का, है ना, सेम टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन वो पुशिंग वे में होगा, है ना। मान लो एक ब्लॉक ये है और एक छोटा ब्लॉक ये, समझ में नहीं आएगा, कलर चेंज करना पड़ेगा, है ना। इससे फोर्स लग रहा हमने बोल दिया, डायरेक्ट वैल्यू लेके समझा देते हैं, ये बोल दिया हमने 4 न्यूटन, तो 4 kg होगा, ये बोल दिया 60, हमने फोर्स लगा दिया 30 न्यूटन, फ्रैक्शनलेस सरफेस। अब देखिए सेम एज, यदि ओनली 4 kg वाला होगा तो ज्यादा तेज जाता, लेकिन 6 kg वाला है तो 6 kg वाले को ये क्या कर रहा है, आगे की तरफ धक्का मार रहा है, 4 kg वाला ब्लॉक 6 kg वाले ब्लॉक को आगे की तरफ पुश कर रहा है, क्योंकि 6 kg वाले को तो और कोई तो फोर्स दे ही नहीं रहा है ना मोशन करवाने के लिए। सेम एज यदि 6 kg वाला ब्लॉक नहीं होता तो ये 4 kg वाला बहुत तेज जाता, लेकिन 6 kg वाले के होने की वजह से उसका एक्सेलरेशन कम हो गया, मतलब 6 kg वाले ने ऊपर। अब ये क्या है, खींच रहा है, धक्का मार रहा है, पुशिंग फोर्स है, और पुशिंग फोर्स को हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल। तो ये फोर्स हो गया नॉर्मल अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा, थर्ड होगा, एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, सेम प्रोसीजर, दोनों को हमने बोल दिया सेम डायरेक्शन में जा रहा है, एक्सेलरेशन हमने बोल दिया ए। ठीक है, फ्री बॉडी डायग्राम बना लो, ये था हमारा 4 kg, इधर की तरफ से लग रहा था 30, इधर की तरफ से लग रहा था n, नेट फोर्स जा किधर रहा है, इधर जा रहा है एक्सेलरेशन से, तो नेट फोर्स कितना होगा 30 माइनस n इक्वल्स टू 4 a। 6 kg वाले का बनाया, इस पे एक ही फोर्स लग रहा है बेटा, n ही लग रहा है इसको आगे, है ना, एक्सेलरेशन a है,
नेट फोर्स एन इक्वल टू सिक्स, ए की वैल्यू एन की वैल्यू यहाँ पुट कर दो तो कितना होगा सिक्स से, तो ए इक्वल टू आ जाएगा 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ए की वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दोगे तो एन इक्वल टू आ जाएगा 18 न्यूटन। ठीक है, नॉर्मल और न्यूटन में डिफरेंस है ना, एक नॉर्मल एक न्यूटन। वापस से देखो, यदि हमने दोनों को एक ही ब्लॉक मान लिया तो नेट फोर्स कितना होगा, ठीक है, नेट फोर्स ये तो इंटरनल फोर्स होगा या फिर बोल सकते हैं अपोजिट फोर्स है, कैंसिल आउट हो गए, तो नेट फोर्स कितना हो गया 30 इक्वल टू टोटल मास कितना है 6 + 4 कितना 10 और एक्सेलरेशन ए, तो ए इक्वल टू आ गया 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ए की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट करो आपका आंसर आ जाए। ठीक है, अब सेम क्वेश्चन यदि मैंने M1 और M2 के टर्म्स में दे दिया तो वो आपके लिए क्या हो जाता है, डिफिकल्ट हो जाता है ना, लेकिन इसे घबराने की कोई बात नहीं है ना। तो थोड़ा सा इधर देखो, जिसे मोल दिया ये हमारा ब्लॉक है और नंबर से मोह छोड़ दो, है ना, वेरिएबल के साथ दोस्ती बढ़ाओ, क्योंकि हमेशा आगे आपको बड़ी क्लासों में वेरिएबल्स ही आएंगे ना, जरूरी नहीं। अब इसको बोलते हमने कैपिटल M, इसको स्मॉल M, इक्वेशन तो एक्सेलरेशन तो निकालते फोर्स दिया हुआ है F। अब हमें नॉर्मल फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, नॉर्मल फाइंड करना, तो वापस से वही इक्वेशन, ये M इधर फोर्स लग रहा है F, इस पे नॉर्मल लग रहा है इधर सेम फोर्स इधर नॉर्मल, तो क्या हो जाएगा F माइनस M, है ना, नेट फोर्स इक्वल टू एक्सेलरेशन ने बोल दिया इस साइड है तो इसका भी एक्सेलरेशन इस साइड होगा, ये कितना हो जाएगा कैपिटल M इंटू A, ये इक्वेशन नंबर वन। इक्वेशन टू स्मॉल M की बात करें, इससे फोर्स लग रहा है नॉर्मल, तो N इक्वल्स टू M इंटू, अब यहाँ से N की वैल्यू पुट कर दो तो F इक्वल्स टू कितना हो जाएगा F माइनस स्मॉल M A इक्वल्स टू कैपिटल M A इंटू A, तो F इक्वल्स टू आ जाएगा सॉरी स्मॉलर ए प्लस कैपिटल एम इंटू ए, ए कॉमन ले लो तो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, ए अपॉन, समझ गए होंगे, ए कॉमन आ जाएगा तो एम प्लस एम आएगा, डायरेक्टली लिख देता हूं मैं एम प्लस स्मॉल एम इंटू ए, ए की वैल्यू यहां पे पुट कर दोगे तो नॉर्मल आ जाएगा आपका स्मॉल एम इंटू ए कितना होगा एफ अपॉन नॉर्मल आ गया। अब यदि आप वैल्यू पुट करोगे तो इसीलिए आ जाएगा, लेकिन आपको वेरिएबल्स में सॉल्व करना आना चाहिए, है ना, इसलिए वेरिएबल के साथ डरे नहीं, प्रोसीजर बिल्कुल सेम ही होता है। ठीक है, चलो शॉर्टकट देखो, मान लो इधर देखना है नेट फोर्स कितना है एफ है, ये तो नॉर्मल कैंसिल हो गया, तो नेट फोर्स कितना है एफ इक्वल टोटल मास स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम इंटू ए, तो ए इक्वल टू हो गया एफ अपॉन स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम, सॉरी कैपिटल प्लस स्मॉल एम, ठीक है, सॉल्यूशन वही आया। ठीक है, इसलिए वेरिएबल के साथ दोस्ती बढ़ाओ। ठीक, नेक्स्ट आपका पुली वाला, अच्छा पुली क्या करता है, सिंगल पुली क्या करता है, फोर्स का डायरेक्शन को चेंज करता है, क्या करता है फोर्स का डायरेक्शन को चेंज करता है। ठीक है, हम बोलते हैं आइडियल पुली। ठीक है, आइडियल पुली क्या होता है, जिसमें कोई फ्रिक्शन लेस नहीं हो और उसका मास भी हम काउंट नहीं करते। ठीक है, जैसे कोई पर्सन है, मान लो एक गहरा सा हुआ है, गहरा सा कुआ है ना, तो ये प्लेटफॉर्म से किसी पर्सन को पानी खींचना है। ठीक है, तो वो क्या करता है, यहाँ पर खड़ा होके कोई पर्सन है, कोई ऑब्जेक्ट है उसको यदि खींचना है ना, तो वो क्या करता है अपने हाथों से इसको रस्सी बांध करके खींचता है। लेकिन आप कोशिश करिए, यदि पर्सन ऊपर खींचता है तो उसके एमजी से ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, बिल्कुल एमजी से ज्यादा फोर्स लगेगा वो कर सकता है, लेकिन पूरा का पूरा जो स्ट्रेस है वो कहाँ पे आता है, उसके मसल्स पे आता है, कहाँ आता है उसके मसल्स पे आता है ना। आप खुद उठा करके देखिए, आप रस्सी से कितना मास उठा सकते हो। ठीक है, यदि आपका मास मान लो आप 40 kg के हो तो ज्यादा से ज्यादा 10 kg भी आप नहीं खींच पाओगे ज्यादा डिस्टेंस तक, लेकिन आपको बहुत हाइट तक खींचना है तो आप नहीं कर सकते। तो उसी के लिए हमने क्या किया कि एक पर्सन था, उसने अपना दूसरा यूज किया जुगाड़, सेम ऑब्जेक्ट को रस्सी से बांधा और यहाँ पे लगा दिया एक स्टैंड। ठीक है, क्या लगा दिया, एक स्टैंड, और स्टैंड के बीच में लगा दिया पुली, क्या लगा दी, एक पुली लगा दी। ठीक है, फिर एक रस्सी को उसने ऐसे बांध करके ऐसे खींचने की कोशिश की,
क्या इजी हो गया, ये वाला क्या हो गया, मोर इजी हो गया, ठीक है। अच्छा अब मान लो इस पर्सन ने क्या किया, मान लो नहीं खींच पा रहा है ये अपने मसल से, तो क्या होगा, खुद लटक जाएगा। तो उसने अपना, यदि हम नीचे की तरफ खींचते हैं तो अपने वेट को एज अ फोर्स यूज करते हैं, ठीक है, लेकिन इसमें हमें वेट का कोई एडवांटेज नहीं मिलता, तो हमारे मसल्स पे ज्यादा लोड पड़ता है, ठीक है, हम बहुत जल्दी थक जाते हैं। लेकिन यदि हम पुली की हेल्प से खींचेंगे, ऑब्वियसली आपको टेंशन इस वाले केस में ज्यादा होगा, क्यों, क्योंकि ठीक है जो पुली से क्या होता है, ज्यादा होता है, क्योंकि पुली का भी मास होता है, पुली का भी फ्रिक्शन भी होता है, लेकिन हमारे वेट को हम एज अ फोर्स यूज कर सकते हैं उसको लिफ्ट करने में, है ना। जैसे मान लो एक 50 kg का सीमेंट का जो बोरा होता है उसको आपको बहुत ज्यादा ऊपर तक लेके जाना है ना, नहीं ले जा पा रहे हो, तो एक चीज कर सकते हो, आप 40 kg के हो, 50 kg का मास उठा करके छत पे लेके जाओ, और दूसरी साइड इसको ऐसे लगा करके उस पर आप भी बैठ जाओ और उस मास को भी रख दो, ठीक है। तो क्या होगा, आपका मास उससे ज्यादा हो गया तो आप नीचे चले जाओगे, वो बोरा ऊपर चला गया, तो आपने क्या किया, आपके वेट को एज अ फोर्स यूज किया, ठीक है। तो सिंगल पुली क्या करती है, फोर्स का डायरेक्शन चेंज करती है, ठीक है। हाँ, मल्टीपल पुलिस से आपका टेंशन कम हो जाता है, मतलब मल्टीपल पुलिस होगी तो आप ये बोल सकते हो कि आप 10 N लगा करके 15 N को भी लिफ्ट कर सकते हो, ठीक है, लेकिन उसमें डिसएडवांटेज क्या होगा, आप बहुत ज्यादा खींचोगे तब जाके वो थोड़ा सा लिफ्ट होगा, ठीक है, तो वो एक अलग कॉन्सेप्ट है, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं सिंगल पुली। तो सिंगल पुली से क्या होता है, फोर्स का डायरेक्शन चेंज होता है। अब नेक्स्ट यदि हम बात करें, पुलिस वाले क्वेश्चन करते हैं, जैसे ये आपका एक पुली, यहाँ पे हमने टू ब्लॉक्स को पुली रेस्ट पे, मतलब यहाँ पे फिक्स पुली है, ठीक है, मास भी लिख देते, कितना मास लेना चाहते हो, चलो एक का 2 ले लेते हैं, एक का 3 ले लेते हैं, ठीक है, ताकि हमारा आंसर अच्छे आ जाए, ठीक है। जी कॉस्ट्यूम कितना ले लेते हैं, अच्छा बताओ यदि हमने इसको छोड़ा, ऑल फ्रैक्शन आर सरफेस, सॉरी ऑल सरफेस आर फ्रैक्शन लेस, है ना, तो ऑब्वियसली किस साइड मूव करेगा, इस साइड मूव करेगा, दोनों का एक्सेलरेशन होगा 1, मतलब ये वाला ब्लॉक ऊपर जाएगा और ये वाला ब्लॉक नीचे जाएगा, क्यों नीचे जाएगा, क्योंकि इसका मास ज्यादा है। तो अच्छा कौन सा फोर्स इनको मोशन कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ग्रेविटेशन फोर्स, क्योंकि इस पे mg लग रहा है नीचे, mg कितना होगा, mg मास 2 g10, मतलब इसके नीचे लग रहा है 20 N फोर्स और इसके नीचे लग रहा है 30 N फोर्स, ऑब्वियसली 30 ग्रेटर है 20 से, तो ये साइड मूव करता है। अच्छा ऊपर की तरफ टेंशन, क्योंकि टेंशन हमेशा क्या होता है, अपोजिट टू कॉन्टेक्ट पॉइंट, डायरेक्शन ऑफ टेंशन क्या होता है, जैसे यहाँ पे कॉन्टेक्ट होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में होता है टेंशन, जैसे यहाँ पे देखो ये कॉन्टेक्ट पॉइंट था, इधर टेंशन इधर, ये कॉन्टेक्ट पॉइंट था, टेंशन इधर था, इस पॉइंट पे कॉन्टेक्ट पॉइंट आगे, इस पॉइंट पे, मतलब डायरेक्शन ऑफ जो टेंशन होता है वो क्या होता है, अपोजिट टू कॉन्टेक्ट। अब क्या करना है, बस फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, और इसके लिए बनाते हैं 2 kg वाले का, नीचे कितना लग रहा है 20 N, ऊपर कितना लग रहा है टी, क्या किधर रहा है, ऊपर जा रहा है एक्सेलरेशन से, तो इक्वेशन क्या बनेगी, टी माइनस 20 = 2 है, ये आपकी इक्वेशन नंबर क्या हो गई, फर्स्ट। इसके लिए बनाओ 3 kg के लिए, ब्लॉक 3 kg को बनाया, ठीक है, इसी से काम नहीं चलाना, अलग से बनाना, अदरवाइज एरर होता रहेगा। नीचे कितना लग रहा है 30, ऊपर लग रहा है टेंशन टी, जा रहा है एक्सेलरेशन से नीचे, तो 30 - t, है ना, 30 - t, नेट फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, मास कितना हुआ 3 × a, दोनों इक्वेशन को पुट कर दो, तो देखो एक में टी पॉजिटिव एक में टी नेगेटिव है, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, इक्वेशन नंबर कितना हो जाएगा, एट इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन कितना हो जाएगा 30 - t = 3a, t - 20 = 4, टी से टी कैंसिल हो जाएगा, t n = 5a, a = 2 m/s², a का वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, चलो इसमें पुट कर देते हैं, तो a का वैल्यू 2 6, तो t इक्वल टू आ गया, आंसर हो गया a = 2 m/s² एंड t = 24 m। अब इस क्वेश्चन को देखो, ऐसा कंफ्यूज बनने वाली कोई बात है, ठीक है, इसको को यदि हॉरिजॉन्टल ज्यादा इजी लगता है ना, यदि ऐसा लगा कि यार वर्टिकल वाला टफ है, तो इसको हॉरिजॉन्टल बना लो। यदि इस क्वेश्चन में बना दूं, ये क्वेश्चन कि यहाँ पे 2 ब्लॉक्स है ना,
एक ब्लॉक ये है और एक ब्लॉक ये वाला आपका 2 kg है, ये वाला 3 kg है, इस पे फोर्स लग रहा है 30, इस पे फोर्स लग रहा है 20, हमें टेंशन फाइंड टी एंड ए। ये वाला और ये वाला क्वेश्चन सेम ही, ठीक है, तो आप इसको ऐसे बना करके भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन आप इसी में हैबिट कर। तो ये दो फोर्थ क्वेश्चन था सेम, ठीक है। नेक्स्ट यदि मल्टीपल ब्लॉक्स हो, मल्टीपल प्रोसीजर बिल्कुल सेम रहेगा, बस आपको क्या ध्यान रखना है, इक्वेशन प्रॉपरली बनाना है, कोई समस्या नहीं आएगी, है ना। मान लो ये यहाँ पे आपने क्या लिया, स्ट्रिंग लिया, साइड भी स्ट्रिंग लिया, अब हम डिफरेंट डिफरेंट मास मतलब मोर देन वन ब्लॉक अटैच कर देते हैं। यहाँ पे एक ब्लॉक है, ये एक और ब्लॉक लेंगे, यहाँ पे एक फिक्स कर दिए, फिक्स है, फुली रोटेट कर सकता है, रोक इसके ऊपर से जाके इधर रही है। चलो वैल्यूज हम ले लेते हैं, कितना लेना चाहते हो ऐसा ले लेते हैं ताकि हमारा आंसर इजी आ जाए। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है। अब हम क्या बनाना है, फ्री बॉडी, इस पे लग रहा है कितना फोर्स, 20 न्यूटन नीचे लग रहा है, इस पे कितना लग रहा है, 10, इधर कितना लग रहा है, 20। अच्छा लास्ट वाले क्वेश्चन में आप इजी वे में भी कर सकते हो, इधर 20 इधर 30, नेट फोर्स कितना हो गया, इधर 30 लग रहा है, इधर 20, एक दूसरे को नेट फोर्स कितना हो गया, 10, नेट फोर्स 10 है, टोटल मास कितना है, 5 × 8 = 2 meter, यहाँ पे भी आप ऐसा देख सकते हो, इधर की साइड नेट फोर्स कितना है, 30, इस साइड 20 है, तो नेट फोर्स कितना हो गया, ये तो वही वाला क्वेश्चन बन गया ना यार। तो इसको आप सॉल्व कर लेना, अब यहाँ पे टेंशन होगा T1 और यहाँ पे टेंशन होगा T2, तो फाइन T1 एंड T2, मैं आंसर लिख देता हूँ, ये आप खुद से सॉल्व कर लेना। ठीक है, ये वही क्वेश्चन बन गया, इसलिए हमने इसको छोड़ दिया, उसको सॉल्व कीजिए, ये आपका आंसर आएगा। ये आपका फुली हो गया, ये वन चलिए हमने बोल दिया। अब आपको एक्सेलरेशन T1 है T2 फाइन, ठीक है, इसको फिक्स कर दिया, कनेक्टेड है ना पुली, और आप सरफेस आर फ्रैक्शन लेस है ना, कोई फ्रैक्शन नहीं है, एंड जो पुली है वो किसी मास लेस है। ऊपर देखो इक्वेशन बनाना सीखना, आंसर निकालना नॉट अ इम्पोर्टेंट, फाइन टेंशन इन स्ट्रिंग्स एंड मास नहीं सॉरी नीचे कितना लग रहा है, इस पर 10 न्यूटन, इधर कितना लग रहा है, 10, इधर कितना लग रहा है। अब फ्री बॉडी डायग्राम 1 kg किसका बनाते हैं, देखो एक्सेलरेशन इस साइड होगा, कितना होगा, ये वाला वो नीचे जा रहा है, 1 है, इसमें टेंशन T1 बोल रहा है, तो इसमें टेंशन कितना होगा, T1 है ना, ये भी कॉन्टेक्ट पॉइंट है, तो इस पर भी टेंशन T1, इस पर टेंशन T1, लेकिन वो पुली पे लग रहे, तो इसलिए हमें कोई कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। इस पर टेंशन उन्होंने बोल दिया T2, इस पर टेंशन T2, तो ये ब्लॉक नीचे जा रहा है, तो देखो नीचे कौन कौन सा लग रहा है, एक तो 10 लग रहा है, एक लग रहा है T2, ऊपर लग रहा है T1, नेट फोर्स कितना जा नीचे रहा है, तो कितना इक्वेशन बनेगा, 10 माइनस T2 सॉरी 10 प्लस T2 माइनस T1 इक्वल्स टू 1, ये इस ब्लॉक के लिए, ठीक है।
थ्री केजी वाले का इधर बना लेते हैं, थ्री इधर लग रहा है कितना 30, ऊपर लग रहा है टी टू जा रहा है एक्सेलरेशन से एक, नेट इक्वेशन क्या होगा 30 माइनस टी टू इक्वल्स टू 3। इस 1 केजी वाले की इक्वेशन देखो, नीचे लग रहा है 10, ऊपर लग रहा है टी वन, जा रहा है ऊपर की तरफ, तो कितना होगा टी वन है ना, नेट नेट फोर्स कितना होगा टी वन माइनस 10, नेट फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, मास 1 है एक्सेलरेशन ए। दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो, इक्वेशन 1, 2, 3 तीनों इक्वेशन को ऐड करोगे तो एरिया के लिए देखना, तो लिख लेते हैं यार 10 प्लस टी टू माइनस टी वन इक्वल टू ए, सेकेंड इक्वेशन 30 माइनस टी टू इक्वल टू 3 है, थर्ड इक्वेशन है आपकी टी वन माइनस 10 इक्वल टू ए। देखिए ये 10 नेगेटिव है, ये 10 पॉजिटिव है, कैंसिल आउट हो जाएगा तो नेट इधर आ गया 30। टी वन इधर पॉजिटिव है, इधर नेगेटिव है, कैंसिल हो जाएगा, टी वन इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव इक्वल टू ए 30 का टोटल मास कितना 5 है, ए इक्वल टू हो जाएगा 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ए का वैल्यू यहाँ पे रखेंगे है ना, ए का वैल्यू इस इक्वेशन में रख दो, ए का वैल्यू यहाँ रख दिया तो आपका जो टी वन है कितना आ जाएगा, फोर आ गया प्लस आएगा 14 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 14, 6 प्लस 10 16 आ जाएगा, ए की वैल्यू से कितना आ जाएगा 16 न्यूटन। और टी टू का वैल्यू के लिए आप इस इक्वेशन में रख दोगे है ना, ए की वैल्यू यहाँ पुट करोगे तो कितना आ जाएगा 18 हो जाएगा, टी टू आ जाएगा 12। ठीक है, एक बार कैलकुलेशन देख लेना, बाकी यही सब उस टाइप में हमें ध्यान रखना, क्लियर है। चलो थैंक यू। अब पुली ब्लॉक सिस्टम में एक हम थोड़ा सा मैंने इंक्लाइन प्लेन को भी समझ लेते हैं। इंक्लाइन प्लेन पे क्या होता है, ये जैसे आपका कोई इंक्लाइन है, इंक्लाइन प्लेन यहाँ पे कोई ब्लॉक रखा हुआ, ये वाली लेंथ हम ले लेते हैं कोई भी एल है ना। अब हमें फाइंड करना है कि इसके जो फ्रिक्शनलेस सरफेस पे हमने टॉप से यदि इसको रिलीज किया है तो नीचे तक आने में कितना टाइम लगेगा है ना। तो बेसिकली मोशन का ही क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा इधर देखिए, यहाँ पे देखिए इस पे एक फोर्स लगेगा नीचे, कितना फोर्स लगेगा नीचे, इसको हम थोड़ा सा हटा देते हैं बाकी को, ये एंगल कितना है, इस पर फोर्स लगेगा नीचे, नीचे हमेशा लगता है अर्थ की तरफ, अर्थ के सेंटर की तरफ। अब देखिए इसके जो कंपोनेंट्स होंगे है ना, अलोंग द इंक्लाइन प्लेन हम निकालते हैं, देखिए अलोंग द इंक्लाइन प्लेन एक कंपोनेंट ये होगा और एक कंपोनेंट उसके परपेंडिकुलर होगा, ठीक है, तो दो कंपोनेंट होगा। अब कौन सा कॉस होगा कौन सा साइन होगा ये डिसाइड करता है एंगल, तो ये वाला एंगल थीटा है, तो देखिए ऑब्वियसली ये वाला एंगल कितना होगा 90 माइनस थीटा होगा, तो ये वाला कितना होगा वापस से थीटा हो जाएगा, तो ये वाला एंगल कितना है थीटा। तो इधर जिस साइड एंगल पता होता है साइड कौन सा कंपोनेंट होता है mg cos थीटा, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है mg sin थीटा। अब इसको ब्लॉक को जो नीचे लाने वाला फोर्स है वो कितना है mg sin थीटा, तो एक्सेलरेशन कितना होगा नीचे की तरफ वो हमने बोल दिया a। देखिए नेट फोर्स कितना है f net equals to mass into acceleration, f net कितना है जो आगे नीचे की तरफ ले जा रहा है mg sin थीटा equals to mass कितना है m इंटू एक्सेलरेशन ए, एम से एम कैंसिल हो जाएगा तो एक्सेलरेशन हो गया आपका जी sin, कितना हो गया जी sin। अब देखिए यहाँ पे कितना टाइम लगेगा नीचे आने में, तो इस वाली डायरेक्शन में अब इक्वेशन ऑफ मोशन लेते हैं, यू कितना है 0, नीचे वाली साइड को प्लस लेते हैं, ए कितना होगा जी sin थीटा, डिस्प्लेसमेंट कितना है x है ना, डिस्प्लेसमेंट एल ले लेते हैं, ये टोटल लेंथ है एल है ना, और टाइम कितना है ठीक है। तो आप इक्वेशन कौन सी इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन यूज करेंगे, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस 1/2 AT² तो आप यहाँ पे आ जाएगा एल इक्वल्स टू 0 प्लस 1/2 G sin थीटा इंटू टी टाइम टी स्क्वायर है, तो टी इक्वल्स टू आ जाएगा रूट 12 अपॉन जी sin थीटा। आ गई बात समझ में, तो यहाँ पे जो टाइम है इस टाइप से भी इंक्लाइन प्लेन पे आपको फाइंड करना
पड़ सकता है। ठीक है, इसी टाइप का एक देखो एक बेहतरीन क्वेश्चन हम करते हैं। मान लो ये एक सर्कुलर रिंग, यहाँ पे हमने एक रोप ये है, एक रोप आपका रेड वाला है, एक हमने बोल दिया ग्रीन वाला है। इसका जो रेडियस है तो ये वाला जो डिस्टेंस है वो कितना है आर है, तो ये रेडियस है, ये वाला इसका रेडियस है, रेडियस हमें गिवन है आर। तो हमने थ्री रिंग्स हैं, ये वाली रिंग्स हैं, एक ये वाली रिंग है, एक ये, तीनों में सेम रिंग को ड्रॉप किया तो वो कहाँ जाती है, ए पॉइंट पे ड्रॉप किया तो वो कहाँ जाती है, बी सी और एक जाती है डी पर। तो कौन सी वाली रिंग, ए बी वाली पहले पहुंचेगी, ए सी वाली पहुंचेगी या ए डी वाली पहले पहुंचेगी, मतलब तो तीनों का जो टाइम है, इसका टाइम टी वन, इसका टाइम टी टू, इसका टाइम थ्री। ठीक है, तो पहले नीचे सबसे पहले कौन सी पहुंचेगी, क्लियर है, तो देखिए गेस करिए देन हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, आंसर अभी नहीं बताते, पहले सॉल्व करते, पहले हम बात करते हैं ए डी के लिए, इसके लिए ए टू डी के लिए, यू कितना है जीरो, ए कितना है जी है, एस कितना है टू आर, है ना, तो टाइम हमें निकालना है, कौन सी इक्वेशन थर्ड इक्वेशन ना, एस इक्वल टू सेकेंड इक्वेशन, एस इक्वल टू यू टी प्लस वन बाय टू ए टी स्क्वायर, एस कितना होगा हमारा 2R, U0 है 1 by 2, G, T square, T का वैल्यू आ जाएगा रूट 4R by G, मतलब रूट 2, ये हो गया T कौन सा, A, B, A, B, T, या इसको T3 भी हमने नोट करके रखा हुआ है, T3, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ग्रीन वाला लेते हैं A2, देखिए यहाँ पे एक इसको ज्वाइन करते हैं, ये वाला एंगल हमेशा कितना बनता है सर्कल के लिए 90 होता है, ये वाला एंगल ले लिया हमने, ये वाला कितना ले लिया, ठीक है, इधर देखिए इधर लग रहा है जी, इधर ऑब्वियसली कितना लगेगा जी कॉस थीटा, कितना लगेगा जी कॉस थीटा, जिस साइड एंगल पता होता है उस साइड कंपोनेंट होता है कॉस कंपोनेंट, कितना हो गया जी, उसके लिए लिखते हैं यू कितना है जीरो, ए कितना होगा जी, ठीक है। अब देखा जाए तो लेंथ, अब ये वाली लेंथ कितनी होगी, ठीक है, ये वाली जो लेंथ है ये कितनी होगी, ये वाली, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, एक राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा ACD, तो ACD हम ड्रॉ कर लेते हैं, ये एंगल थीटा है, ये वाला पॉइंट है A, थीटा वाला पॉइंट AD है, ये वाला पॉइंट C है, ठीक है, नहीं थोड़ा सा रॉन्ग है, तो राइट एंगल ट्रायंगल है वो कौन सा है, ये सी वाला, ये आपका ए है, ये आपका डी है, ठीक है, तो सी वाला एंगल राइट एंगल, ये वाला हो गया, ये वाली डिस्टेंस दी हुई है 2R, सी फाइंड करना है, ए सी फाइंड करना है हमें, ठीक है, ए टू सी फाइंड करना है, तो हम क्या लगाएंगे, एक्स से एक्स ले लिया, क्या लगाएंगे कॉस, कॉस थीटा, ये वाला एंगल कितना गिवन है थीटा, कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस अपॉन 2R, x इक्वल टू कितना हो गया 2R cos थीटा, वैसे u0 है s कितना हो गया 2R cos थीटा और टाइम कितना है t, कौन सा इक्वेशन थर्ड इक्वेशन सेकंड इक्वेशन वही, तो 2R cos थीटा इक्वल टू u0 है प्लस 1 बाय 2 g cos थीटा इनटू t, t2 का होल स्क्वायर, cos थीटा से cos थीटा कैंसिल हो गया, तो t2 इक्वल कितना है 2 रूट आर वाई छी, अरे ये क्या हुआ, कोई आंसर कोई वेरिएशन नहीं हुआ, इसका मतलब है डज नॉट डिपेंड्स ऑन थीटा, मतलब हम लिख सकते हैं टी वन इक्वल टू टी टू इक्वल टू टी थ्री, ठीक है, मतलब यहाँ से हम एक और भी लाइन बना ले टी फोर तो वो भी क्या होगा सेम टाइम पर पहुंचेगा, ठीक है, तो आप ये आया, अब ऐसा क्यों हुआ उसका थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं, इस वाले में क्या था जी भी ज्यादा था तो लेंथ भी ज्यादा था, इसमें जी जिस रेशो में कम हुआ उस रेशो में लेंथ भी कम हुआ, जी यहाँ पे जी का बहुत कम पॉइंट है, जस्ट होरिजॉन्टल ले लिया तो डिस्टेंस तो कम है लेकिन जी का इम्पैक्ट भी तो कम है ना, एक्सेलरेशन भी तो नहीं मिल रहा ना उस डायरेक्शन में,
इसलिए आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखें इस टाइप के क्वेश्चंस करके, इतनी जल्दबाजी नहीं करें कि एनालिसिस के टर्म्स में आप आंसर कर दें, थोड़ा सा एक दो स्टेप सॉल्व करें तब जाके आप एनालाइज करें, ठीक है।